हे गाइस, देखिए यहाँ पर एक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। पहले जान लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर जैसे कंपनी का नाम डीमार्ट है सर, ठीक है, कंपनी का नाम डीमार्ट है। अब देखोगे तो सर इस कंपनी में एक बहुत बड़ा झोल होने जा रहा है। झोल होने का मतलब सर, कहने का मतलब है कि सर कुछ गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सर लोगों को पता नहीं चल रहा। जब ये कंपनी आई थी सर पहले, तो इस कंपनी ने कुछ नहीं बहुत कुछ अच्छा रिटर्न निकाल के दिया था सर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में ये कंपनी कुछ खास प्रॉफिट निकाल के नहीं दे रही है, एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही है बहुत सालों से। सर देख सकते हो, जब ये कंपनी आई थी 2021 के आजू बाजू, तो सर इसने हाई बनाया था, ठीक है, 700% तक का रिटर्न निकाल के दिया था सर। उसके बाद अगर देखते हो तो सर ये लगभग अराउंड 5% के अभी भी लॉस में है सर, ये 5% का अभी भी लॉस में है। और देखेंगे तो सर बहुत टाइम होता जा रहा है, 1 साल 2 साल, ये तो सर हाफ ईयर यहाँ, कुछ महीने यहाँ, देख लेंगे तो सर लगभग ये 3 साल होता हुआ नज़र आ रहा। और 3 साल के बाद सर एक बैड न्यूज़ आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि लगभग इसके पूरे बिजनेस मॉडल को हिला के रख सकता है सर। अगर ये स्टॉक यहाँ से धड़ाधड़ गिरना स्टार्ट कर दिया और 3,500 के आजू बाजू चला गया, तो लोग बोलेंगे इतना थोड़ी गिरावट होगा। ये बात भी सही है सर, लेकिन क्या करें, कभी कभी हो जाता है सर, ये स्टॉक मार्केट है। क्या खबर है ये मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखो डीमार्ट क्या है ना सर, ये वॉल्यूम में खेलता है। ये क्या करता है सर, अपना स्टोर बनाता है। स्टोर बनाने के बाद इसने सर देखिए अमेरिका को कॉपी किया, और कुछ खास नहीं है ऐसे सर। इंडिया में ज़्यादातर चीज़ें जो है कॉपी वगैरह होते ही रहती है, ठीक है। जैसे पेटीएम वगैरह देखोगे तो ये भी एक कॉपी ही था, मतलब यहाँ का फ्लिपकार्ट देखोगे तो वो भी कॉपी था। बहुत सारी चीज़ें सर, एक दो चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट सर यहाँ पर देखोगे तो पहले पेपाल आया था, उसके बाद चीज़ें आना स्टार्ट हुई। तो कहने का मतलब है कि सर यहाँ पर भी जो है इसने सर एक तरीके से कॉपी किया, लेकिन बिजनेस ठीक ठाक चला स्टार्टिंग में। अब क्या कि सर इन्होंने बहुत ज्यादा जो है ये वॉल्यूम में खेलते हैं। किस में खेलते हैं सर? फिजिकल वॉल्यूम में खेलते हैं। फिजिकल वॉल्यूम का मतलब होता है कि सर इनको एक बहुत बड़ा जो है गोडाउन चाहिए होता है सर माल को स्टोर करने के लिए। पहली चीज, माल को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा गोडाउन चाहिए होता है। और सर होता क्या है कि इनमें इनको काफी अच्छा जो है मार्जिन नहीं मिल पाता सर, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि देखो, एक एप्पल का मोबाइल का दाम होता है सर 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब एक मोबाइल को ट्रांसफर करने में कितना एक आदमी भी उठा के लेके जा सकता है सर, आराम से। एक आदमी कम से कम सर, मैं आपको बता दूं तो लगभग 50 मोबाइल तो आराम से लेके जा सकता है, कैरी करके सर लेके जा सकता है ना। अगर बोल दिया जाए एक आदमी को कि ए भाई सुनो, एक काम करना है आपको, तुमको 50 जो है ना कोको कोला का ना, वो जो बड़ा वाला होता है ना सर बॉटल, बड़ा वाला बॉटल होता है ना कोको कोला का ना, वो तुम्हें ट्रांसफर करना है 50 बॉटल, तो नहीं कर पाएगा सर। वो बोलेगा भाई 50 बॉटल कैसे उठाऊंगा, मैं नहीं उठा पाऊंगा, भारी हो जाएगा, वो बोलेगा, ठीक है। उसके बाद ये बोलेगा भाई 50 बॉटल लेकर जाऊंगा तो मुझे कितना कमीशन मिलेगा, तो वहाँ पर बोला जाएगा कि ठीक है देखो, आपको जो है कम से कम मान लेते हैं 2,000 रुपये का कमीशन मिलेगा। लोग बोलेंगे यार इतना भारी है, ऊपर से इतना तकलीफ करके लेके जाना 2,000। एप्पल वाला बोलेगा कि भाई देखो मेरे आप 50 मोबाइल को ले जाओ, कितना दोगे? तो बोलते हैं भाई ले लो ना 50,000 रुपये ले लो, और क्या चाहिए। तो सर इसको लेके जाने के लिए जी जान लगा देंगे। पूछे क्यों? क्योंकि सर ये जो है ये वॉल्यूम में नहीं खेल रहा है। एक एक मोबाइल का दाम 1,00,000 रुपये है सर, इनके एक एक बोतल का दाम कितना है सर, 150, 200 या 300 रुपये। तो ये वॉल्यूम में खेल रहे हैं सर, जिनको इनको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जा रहा है सर। और उसके साथ साथ देखो अगर आप देखोगे तो लगभग सर इनके वॉल्यूम के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सर लगभग ये क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बेचते नहीं है, केवल खाने पीने वाली चीज़ों के हिसाब से बेचते हैं। इनके अंदर जाओगे तो सर कपड़े वगैरह लेने के लिए ये कुछ और लेने के लिए, तो सर वो जो सारे सब कुछ होता है सर एकदम नॉर्मल क्वालिटी का होता है। मैं ये नहीं बोलूँ खराब है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी का होता है, उसमें भी सर डीमार्ट को अच्छा खासा मार्जिन नहीं मिल पा रहा है। तो अब तो सर इन्होंने दिमाग लगाया है। क्या किया है अभी हाल फिलहाल में कि सर जो डीमार्ट है ना, डीमार्ट के जो स्टोर है ना सर, उनके सामने क्या करेंगे ना सर, ये दुकान लगा रहे हैं, दुकान पिज़्ज़ा का दुकान लगा रहे हैं और भी चीज़ों का दुकान लगा रहे हैं। अभी सर पिज़्ज़ा जो दे रहे हैं ना सर, केवल 150 रुपये में दे रहे हैं। जो डोमिनोज देता है 700 रुपये में, सर ये केवल दे रहा 150 रुपये में। हाँ, अब ये सर ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू के लिए जो है ये लोग अलग अलग ये लोग बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ नया हो पाए और रेवेन्यू जनरेट वगैरह हो पाए। तो सर 700 की पिज़्ज़ा को सर ये लोग 150 में देने की कोशिश कर रहे हैं सर। अब इससे ये अपने जो है सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सर इनके स्टोर से तो कुछ हो नहीं रहा कुछ खास। तो देखिए खबर आई है कि एवेन्यू सुपरमार्ट स्टॉक यहाँ देख सकते हो जो स्टॉक है ड्रॉप पोस्ट Q1 अपडेट, बताया जा रहा है सिटी ने। ये सर सिटी है कौन समझ लीजिए सर, ये क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है सर, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। सिटी ने क्या बोला है कि भाई बेचो, ठीक है। मोर्गन स्टैनली यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है मोर्गन स्टैनली, यहाँ पर देख सकते हो थोड़े बुलिश हैं सर कुछ लोग, यहाँ पर देख सकते हो तो कुछ लोग बुलिश हैं, थोड़े बहुत बुलिश हैं। कुछ लोग का मानना है कि भाई बेचो। अब जब बेचने के लिए बोला गया तो भाई टारगेट क्या दिया गया है, टारगेट अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये कुछ ज़्यादा हो गया है।
टारगेट बोला गया है सिटी के तरफ से। सिटी ने बोला है कि भाई बेचो, सेल कॉल आपको दिया गया, स्टॉक यहाँ पर देखने को मिला विथ टारगेट प्राइस ऑफ 3,400, देख सकते हो। बोला जा रहा है नोटेड दैट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो बताया जा रहा है 2025, मतलब 2025 तक अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हो तो सर ये जो स्टॉक है 3,400 रुपीज़ में जाता हुआ नज़र आएगा, जो कि अभी 4,700 रुपीज़ के आजू बाजू चल रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हो तो आपको मिलने वाला है सर लॉस। आप लोग बोलेंगे सर मोतीलाल ओसवाल, तो यहाँ देख सकते हो इन्होंने खरीदने के लिए बोला सर, ठीक है, जो कि बोला गया है मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से कि भाई खरीदो लेकिन 10% के टारगेट के लिए ही खरीदो बस, ठीक है। वो भी सर इन्होंने बोला है न्यूट्रल, ज़्यादा तेजी वेजी नहीं हो सकती। HDFC बैंक का वेटेज बढ़ता हुआ नजर आया, इस वजह से सर इसमें तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में देखो 4%, पिछले 1 महीने में 12%, पिछले 6 महीने में, तो पिछले 6 महीने में कुछ खास नहीं है लेकिन 4-5 महीने में सर इसने 27% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा है। सर देखिए इसमें एक सर मामला है, इनमें सर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कुछ ज़्यादा ही पैसा डाल रखा है, समझ में नहीं आ रहा कंपनी किसकी है सर। मतलब कंपनी अगर आप देखोगे तो सर लगभग प्रमोटर्स की हिस्सेदारी या पब्लिक हिस्सेदारी ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है, लेकिन सर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा पैसा डाल रखा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर थोड़ा बहुत माल बेचेंगे तो ये कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी सर, वही खबर बताया जा रहा है सर फॉरेन इन्वेस्टर्स से रिलेटेड। सर जोमेटो से सर एक बड़ी खबर आते हुए नजर आ रही है, जोमेटो सर डाइवर्सिफिकेशन करने वाला है सर। ये अनरिलेटेड मतलब जो है, मतलब कहने का मतलब है कि सर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में जाने वाला है सर। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है सर ये देखो डिलीवरी से रिलेटेड ये काम काज करता है सर, लेकिन ये जो कंपनी ने सर NBFC में ये जाने की कोशिश कर रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में ये जाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसी खबर आई है सर। मतलब ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लेकिन सर अनरिलेटेड में, जहां पर रिलेशन नहीं है सर वहां पर। उसके साथ साथ विप्रो का सर टारगेट 600 के आजू बाजू दिया है सर एक्सपोर्ट ने, और 600 अगर चला गया तो बात समझ में आ रही है सर, ये 800 से 700 से अरे भाई 700 से गिरा ही हुआ है, और 600 अगर ये चला गया तो भाई 100 रुपये और ऊपर जाने में क्या तकलीफ हो जाएगी, फिर इसको कोई तकलीफ नहीं हो जाएगी। तो विप्रो अगर आप सोचेंगे तो फिर तो भाई काफ़ी अच्छा चला जाएगा, ये देख सकते हो अपग्रेड किया गया है इनको, टारगेट भी इनका जो है बढ़ा दिया गया है, तो ये अच्छी खबर थी सर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं फ्री में।